नमस्कार, मेरा नाम मीनाक्षी ठाकुर है और मैं वेस्टलैंड बुक्स में प्रकाशक और संपादक हूँ। मैं कलिंगा लिटरेचर फेस्टिवल की आभारी हूँ कि उन्होंने हमें आज अपना मंच दिया इस मनोरंजन व्यापारी अमृता बेरा जी और सौवेंद्र से चांडाल जीवन त्रयी के पहले उपन्यास भागा हुआ लड़का पर चर्चा करने के लिए। मैं किताब के बारे में संक्षिप्त में आपको थोड़ा बता दूं, जिस किताब पे हम चर्चा करेंगे वो चांडाल जीवन त्रयी का पहला उपन्यास है, जिसके लेखक बांग्ला राइटर बांग्ला लेखक मनोरंजन व्यापारी हैं। ये त्रयी कुछ कुछ मनोरंजन दा के निजी जीवन पर ही आधारित है। जीवन नाम के एक नाम शूद्र लड़के की निर्वासन की कहानी है। वो अपने माता पिता के साथ पूर्वी पाकिस्तान से पश्चिम बंगाल के एक रेफ्यूजी कैंप में आता है। 12-14 वर्ष की उम्र में वो घर से रेफ्यूजी कैंप से भाग जाता है कलकत्ता, जहां उसने सुना है कि पैसे हवा में सड़कों पे उड़ते पाए जाते हैं। छोटा सा बच्चा है, उसे लगता है कि पैसे हवा में से पकड़ के या कहीं छोटी मोटी नौकरी करके वो अपनी माँ के लिए एक साड़ी खरीदेगा और अपने पिता और छोटे भाई बहनों के लिए खाना खरीद पाएगा, गरम भात। भागा हुआ लड़का इस घर से भागे हुए लड़के जीवन की कहानी है। इस बेघर रेफ्यूजी लड़के के सफर के माध्यम से उसकी नजर से हम देखते हैं कलकत्ता शहर को और देखते हैं भारत को, 60-70 की शताब्दी के भारत को, 60-70 के दशक के भारत को, जो हर दिन बदल रहा है। जीवन का देखा हुआ भारत, उसके अनुभव के भारत को पढ़कर हम एक न्यूली इंडिपेंडेंट इंडिया की पृष्ठभूमि को समझ सकते हैं। मैं लेखक से आपका परिचय करा दूं। मनोरंजन व्यापारी का जन्म 50 के दशक में के मध्य में बारिशाल बांग्लादेश में हुआ था। जब वे 3 वर्ष के थे तो उनका परिवार भारत के पश्चिम बंगाल में आकर बस गया। उन्हें बांकुरा के शिरोमणिपुर शरणार्थी कैंप में पुनर्वासित किया गया था। बाद में जबरन उन्हें 24 परगना के खोला दोलताला में भेज दिया गया, जहां वे 1959 तक रहे, उनहत्तर तक रहे। हालांकि व्यापारी को छोटे मोटे काम करने के लिए 14 साल की उम्र में घर छोड़ना पड़ा। अपने 20वें दशक के प्रारंभ में वे नक्सलियों और जाने माने एक श्रमिक कार्यकर्ता शंकर गुहा नियोगी के संपर्क में आए। व्यापारी को इसी समय के आसपास जेल में डाला गया और वहां उन्होंने खुद को पढ़ना लिखना सिखाया। बाद में रिक्शा चलाते हुए उनका परिचय बंगाली की प्रसिद्ध लेखिका महाश्वेता देवी से हुआ और उन्होंने इन्हें अपनी पत्रिका वर्तिका के लिए लिखने को प्रेरित किया। तब से व्यापारी ने 12 उपन्यास और 70 से ज्यादा लघु कहानियां लिखी हैं। इनकी कुछ महत्वपूर्ण रचनाओं में छेड़ा छेड़ा जीवन, इतिवृत्ते चांडाल जीवन जो इनका संस्मरण है, अमानुषिक, चंडाल जीवन त्रयी उपन्यास, अन्य भुवन और मोतवा एक बिल्कुल भक्ति सेना नाम शामिल है। 218 तक व्यापारी ने पश्चिम बंगाल के हेलन केलर इंस्टीट्यूट फॉर द डेफ एंड ब्लाइंड में खानसामा के तौर पर काम किया। 2018 में उनके संस्मरण के अंग्रेजी अनुवाद इंटेरोगेटिंग माई चांडाल लाइफ को हिंदी प्राइज फॉर नॉन फिक्शन दिया गया। 2019 में उन्हें द गेटवे लिट फेस्ट राइटर ऑफ द ईयर घोषित किया। उनके एक और उपन्यास का अंग्रेजी अनुवाद देयर्स गन पाउडर इन द एयर, जिसका बांग्ला नाम है बाताशे बारूदेर गोंधो, इस उपन्यास के अंग्रेजी अनुवाद को जो अरुणावा सिन्हा ने किया है, जेसीबी प्राइज फॉर लिटरेचर 2019 के लिए नॉमिनेट किया गया। पिछले वर्ष इनके उपन्यास ईमान, जिसका बांग्ला ओरिजिनल है छेड़ा छेड़ा जीवन, उसके लिए नॉमिनेट किया गया। और अब वो 2021 में बंगाल लेजिस्लेटिव असेंबली से एमएलए चुने गए। तो ये इनका परिचय तो बहुत ही लंबा है, लेकिन मैं बहुत छोटे में आपको इनसे इंट्रोड्यूस करवा रही हूँ। भागा हुआ लड़का का अनुवाद, हिंदी में अनुवाद अमृता बेरा जी ने किया है। उन्होंने वो तस्लीमा नसरीन की अनुवादक हैं।
उन्होंने हार्पर कॉलिंस के लिए रविशंकर बाल की उपन्यास दोजखनामा का अनुवाद किया था, और वो गाना बहुत अच्छा गाते हैं। और अभी इस ये जो चांडाल जीवन त्रयी है, इसके दूसरे भाग को उन्होंने पूरा कर लिया है और तीसरे भाग पे वो काम कर रही हैं। इनसे चर्चा करेंगे आज इस किताब पे लेखक और अंग्रेजी लेखक और अनुवादक हंसदास सौवेंद्र शेखर। वो पेशे से चिकित्सक हैं और अंग्रेजी में लिखते हैं। इनके उपन्यास माय फादर्स गार्डन को जेसीबी प्राइज के लिए और साहित्य एकेडमी अवार्ड के लिए शॉर्टलिस्ट किया गया था। इनकी किताब द मिस्टीरियस एलमेंट ऑफ रूपी बास्की को इंटरनेशनल डबलिन लिटरेरी अवार्ड के लिए शॉर्टलिस्ट किया गया था। इसको क्रॉसवर्ड बुक अवार्ड और हिंदू प्राइज के लिए भी शॉर्टलिस्ट किया गया था। इनकी कहानियों के संग्रह का नाम दी आदिवासी विल नॉट डांस अमेजॉन इंडिया पे कई दिनों तक नंबर 1 बेस्ट सेलर रही। और आजकल वो मनोज रूपरा की के उपन्यास काले अध्याय का अंग्रेजी अनुवाद कर रहे हैं। तो मैंने काफी वक्त ले लिया। सौविंद्र, आप प्लीज टेक इट फ्रॉम हियर। आप मनोरंजन दा और दाजी से बातचीत करें। थैंक यू मीनाक्षी. एम आई ऑडिबल? थैंक यू मीनाक्षी जी. नमस्कार, मेरा नाम सौवेंद्र है. मैं आप सभी का स्वागत करता हूँ कलिंगा लिट फेस्ट के इस सत्र में, जिसका नाम है रेफ्यूजीज टेल, अंडरस्टैंडिंग इंडिया थ्रू द राइटिंग्स ऑफ मनोरंजन व्यापारी, यानी कि मनोरंजन व्यापारी जी के लेखन के माध्यम से भारत को समझने की कोशिश. इस सत्र के संचालन हेतु हम आभारी हैं कलिंगा लिट फेस्ट और वेस्टलैंड बुक्स के. इस सत्र में हमारे अतिथि हैं मनोरंजन व्यापारी जी एवं अमृता बेरा जी. आप दोनों का मैं स्वागत करता हूँ. नमस्कार मनोरंजन दा, गुड इवनिंग अमृता जी. इस सत्र के जो थीम है अंडरस्टैंडिंग इंडिया थ्रू द राइटिंग्स ऑफ मनोरंजन व्यापारी, इसके अलावा हम बात करेंगे मनोरंजन व्यापारी जी के बांग्ला उपन्यास घोर पालानो छेले के हिंदी अनुवाद भागा हुआ लड़का के बारे में. घोर पालानो छेले या भागा हुआ लड़का, या अंग्रेजी में ये द रनअवे बॉय के नाम आपकी से आवाज प्रकाशित थोड़ी कम है. आ रही है सौपेंद्र, ओ अच्छा, ओके ओके ओके. जी थोड़ी सी बढ़ा लीजिए। जी जी ठीक है। हाँ, अब ठीक है अमृता जी, हाँ हाँ अब ठीक है। इज इट बेटर? ओके, थैंक यू. यस यस ओके, घोर पालानो छेले या भागा हुआ लड़का, या अंग्रेजी में हम जिसे जानते हैं द रनअवे बॉय के नाम से, जिसके अनुवादक हैं वी रामास्वामी जी, मनोरंजन व्यापारी जी के चांडाल जीवन त्रयी या चांडाल जीवन ट्रायलॉजी का पहला उपन्यास है. भागा हुआ लड़का की अनुवादक है अमृता बेरा जी एवं प्रकाशक है एका. चूंकि हम एक हिंदी में अनुदित उपन्यास के बारे में बात करेंगे और हम तीनों मनोरंजन जी, अमृता जी एवं मैं हिंदी में सहज हैं, इसीलिए इस सत्र का माध्यम हिंदी होगा. आवश्यकता अनुसार हम अंग्रेजी या बांग्ला में स्विच कर सकते हैं, परंतु मुख्य माध्यम हिंदी ही होगा. सत्र आरंभ करने से पहले हमारे दोनों आदरणीय अतिथियों का मैं परिचय करा दूं. मनोरंजन व्यापारी जी शायद किसी परिचय के मोहताज नहीं है. आप वर्तमान में विधायक हैं पश्चिम बंगाल के बालागढ़ विधानसभा क्षेत्र से, परंतु इस मुकाम तक पहुंचने से पहले एक पूरी श्रृंखला है अनुभवों का जो आपने जिया है. आप एक शरणार्थी रहे हैं, श्रमिक रहे हैं, रिक्शा चालक रहे हैं, परंतु जिस रूप से हम सभी आपसे सबसे अधिक परिचित हैं वो है एक लेखक के रूप में. आप वर्तमान समय में बांग्ला भाषा के जाने माने लेखकों में से एक हैं. आप 12 उपन्यास एवं 70 से अधिक कहानियां लिख चुके हैं. आपकी आत्मकथा इतिवृत्ते चांडाल जीवन के अंग्रेजी अनुवाद इंटरोगेटिंग माय चांडाल लाइफ एन ऑटोबायोग्राफी ऑफ अ दलित, जिसका अनुवाद शिप्रा मुखर्जी जी ने किया एवं प्रकाशन साम्या एवं सेज ने किया, द हिंदू प्राइस के सर्वश्रेष्ठ नॉन फिक्शन बुक के विजेता है.
जबकि आपके दो उपन्यास बाताशे बारुदेर गंध एवं छेड़ा छेड़ा जीवन के अंग्रेजी अनुवाद क्रमशः देयर इज गन पाउडर इन द एयर एवं ईमान, जिनका अनुवाद अरुणाभ सिन्हा जी ने किया है एवं प्रकाशन एका के द्वारा किया गया है, को द JCB प्राइज फॉर लिटरेचर के लिए शॉर्टलिस्ट किया गया। साथ ही आप पश्चिम बंगाल दलित साहित्य अकादमी के अध्यक्ष हैं। मनोरंजन व्यापारी जी से हम आगे बढ़ते हैं अमृता बेरा जी की ओर। अमृता बेरा जी का जन्म कलकत्ता में हुआ एवं वे वर्तमान में दिल्ली में वास करती हैं। आप बांग्ला, हिंदी व अंग्रेजी में लेखन व अनुवादन का काम करती हैं। हिंदी से अंग्रेजी में अनुदित कविताओं एवं गजलों का संग्रह लाइट थ्रू अ लैबिरिंथ वर्ष 2009 में कलकत्ता के राइटर्स वर्कशॉप से प्रकाशित, वर्ष 2011 से हंस पत्रिका में सुप्रसिद्ध बांग्ला लेखिका तस्लीमा नसरीन के बांग्ला लेखों का हिंदी अनुवाद का नियमित प्रकाशन, तस्लीमा नसरीन की आत्मकथा के सातवें खंड निर्वासन का अनुवाद वर्ष 2013 में वाणी प्रकाशन ने किया, जिम्नास्ट दीपा कर्मकार के संस्मरण द स्मॉल वंडर का बांग्ला अनुवाद वर्ष 2020 में प्रकाश बुक्स के द्वारा प्रकाशित, तस्लीमा नसरीन के लेखों का संकलन शब्द वेदी शब्द भेदी वर्ष 2021 में अक्षर प्रकाशन से प्रकाशित, रविशंकर बल के चर्चित बांग्ला उपन्यास दोसकनामा का हिंदी में अनुवाद वर्ष 2015 में हार्पर कॉलिंस के द्वारा प्रकाशित, जिसके लिए आपको वर्ष 2017 में कमला गोयनका फाउंडेशन के द्वारा श्री प्रभात रंजन सरकार स्मृति पुरस्कार प्रदान किया गया एवं वर्ष 2015 में दोसकनामा को टाइम्स ग्रुप के द्वारा बेस्ट ट्रांसलेशन ऑफ द ईयर चुना गया। साथ ही अनुवाद कार्य हेतु लगता है इंटरनेट हंस का ऑफलाइन हो गया है। आई थिंक ही गॉट डिस्कनेक्टेड। लेट्स वेट फॉर अ मिनट। माफ कीजिएगा, मैं थोड़ा सा डिस्कनेक्ट हो गया था। अमृता, can you hear me? Yes, I can. But your voice is coming very low. Oh, I'll just rectify this. कोई बात नहीं छे। Okay, is it okay now? Yes. Okay. Yeah. Okay. So, I'll continue from where I left. हम परिचय मैं दे रहा था अमृता जी के बारे में। अनुवाद कार्य हेतु अमृता जी को वर्ष 2012 में डॉक्टर अंजना सहजवाला सम्मान से सम्मानित किया गया। मनोरंजन जी, अमृता जी, आप दोनों का पुनः स्वागत है एवं इस सत्र में भागीदारी हेतु आप दोनों के प्रति आभार, और हम आभारी हैं कलिंगा लिट फेस्ट एवं वेस्टलैंड बुक्स के प्रति। क्योंकि हम एक पुस्तक के हिंदी अनुवाद के बारे में बात करेंगे, इसलिए मैं सत्र का आरंभ करना चाहूंगा अमृता बेरा जी के साथ। अमृता जी, मैं आपसे 3 प्रश्न एक साथ करना चाहता हूँ। सबसे पहले कृपया आप हमें एक अनुवादक के रूप में अपनी यात्रा के बारे में बताएं, एवं कृपया आप हमें ये बताएं कि घोर पालन और छेले आप तक कैसे पहुंची एवं इस उपन्यास को अनुवाद करने का आपका अनुभव कैसा रहा। अमृता जी, हंसदा जी, मनोरंजन दा और यहाँ जुड़े सभी मित्रों को मेरा नमस्कार।
केएलएफ के आयोजक एवं प्रतिलिपि डॉट कॉम का आभार जिन्होंने ये मंच मुझे दिया। और मैं एका वेस्टलैंड की मीनाक्षी ठाकुर एवं उनकी पूरी टीम का धन्यवाद देना चाहती हूँ जिन्होंने मुझे भरोसे के साथ इस किताब के अनुवाद की जिम्मेदारी दी। मेरे लिए ये एक महत्वपूर्ण काम है। जहाँ तक मेरी अनुवादक के रूप में यात्रा की बात है वो काफी दिलचस्प रही है। एक्चुअली मेरा जीवन ही कुछ ऐसा रहा है कि जहाँ मुझे चीजें चुनने का मौका नहीं मिला या मैंने चीजें नहीं चुनी बल्कि चीजों ने मुझे चुन लिया। तो मुझे बचपन से पढ़ने का शौक था और मुझे जो भी हाथ में आता था वही मैं पढ़ती थी, लेकिन कभी दिमाग में ये नहीं आया कि मुझे लिखना है या अनुवाद करना है। बल्कि मुझे संगीत का बहुत शौक था और मैं गजलें गाया करती थी बेसिकली। और गाने के दौरान मुझे अलग अलग भाषाओं में गाना अच्छा लगता था और मैं बहुत जल्दी भाषाओं को पिक कर लेती थी, उस भाषा के शब्दों से बहुत जल्दी रिलेट कर पाती थी और पिक कर लेती थी। खैर इससे ज्यादा कुछ नहीं था, मैं अपनी एक छोटी सी सरकारी नौकरी में व्यस्त रही। फिर साल 2007 और 8 के दौरान मेरे कथाकार कवि मित्र ने मुझे उनके उनकी कविताओं और गजलों का एक संग्रह दिया। तो मैं उन दिनों उसे पढ़ रही थी। उसे पढ़ते हुए मुझे अचानक एहसास हुआ कि जिन कविताओं को मैं हिंदी में पढ़ रही हूँ वो मेरे दिमाग में इंग्लिश इंग्लिश में चल रहा है। एंड जस्ट फॉर द हेक ऑफ इट मैंने उन्हें कागज पर लिखना शुरू कर दिया। फिर उन्हें कुछ संवारा, फिर और लिखना शुरू किया ऐसे। और स्पेशली गजलें गाने की वजह से मेरे अंदर शायद एक सेंस ऑफ मीटर एंड राइमिंग थी, तो इस वजह से मेरे को उस किताब की गजलों का अनुवाद करने भी मैं कर गई। और इस तरह एक एक करके मैंने पूरी किताब का अनुवाद कर डाला। राइटिंग से जुड़े ज्यादा लोगों को नहीं जानती थी पर दो चार हाँ जिन्होंने भी पढ़ा उन्होंने अनुवाद पसंद किया। मैं एम आई ऑडिबल, सुनाई दे रहा है ना? या परफेक्ट। तो उसके बाद मुझे को पब्लिशर्स भी नहीं पता थे, कुछ नहीं था, तो मैंने नेट नेट पे राइटर्स वर्कशॉप कोलकाता का देखा तो प्रोफेसर पीलाल को वो भेज दिया। लिटिल रियलाइजिंग हिज नेम एंड स्टेचर इन इंग्लिश लिटरेचर एंड राइटिंग। अच्छा जब तक मैंने उनके बारे में मुझे ये हुआ पता लगा तो मैं तो यही सोच के बैठी हुई थी कि ये तो रिजेक्ट हो जाएगा और कुछ होने का नहीं है। लेकिन अचानक एक दिन उनका कॉल आया और उन्होंने कहा कि अनुवाद पसंद आया है। और इस तरह 2009 में मेरी पहली अंग्रेजी अनुवाद की किताब लाइट थ्रू अ लैबिरिंथ पब्लिश हुई। उसके बाद मैंने सोचा चलो शौक पूरा हो गया सो डन विद इट नाउ। लेकिन अनुवाद की विधा मुझे अपनी ओर खींचती ही रही और मैं मेनली इंग्लिश में छुटपुट छुटपुट कहानियां कविताएं ये सब अनुवाद करने लगी। इस बीच कुछ कवियों लेखकों के बीच उठना बैठना, गोष्ठियों में आना जाना ये सब शुरू हो गया था। इस बीच हंस नाम की विशिष्ट हिंदी साहित्यिक पत्रिका के संपादक राजेंद्र यादव जी ने ये सुप्रसिद्ध बांग्लादेशी लेखिका तस्लीमा नसरीन का एक कॉलम अपनी पत्रिका में शुरू करने का तय किया। तो तस्लीमा चूंकि बांग्ला में लिखती हैं तो इसीलिए उन्हें बांग्ला बांग्ला अनुवादक की जरूरत थी और किसी ने मेरा नाम सजेस्ट किया। मैंने इससे पहले एक भी शब्द बांग्ला का हिंदी में कभी ट्रांसलेट नहीं किया था। मुझे कहा गया हंस की तरफ से कि एक लेख आपसे करवाएंगे, अगर पसंद आएगा तो आगे करवाएंगे नहीं तो नहीं। ये काम मेरे लिए एकदम पहाड़ तोड़ने जैसा था और लेकिन अनुवाद का एक रस और उसको करने का एक मेडिटेटिव एफर्ट और एक सेंस ऑफ पर्पस मुझे लगातार खींचती रही और मुझे उसने बांधे रखा।
तो इस तरह से मैं पिछले 11-12 साल हो चुके हैं अब, और मैं तस्लीमा जी के वो कॉलम लगातार हंस के लिए अनुवाद कर रही हूँ। इस बीच और भी बहुत कई किताबें आई, हिंदी, अंग्रेजी और बांग्ला की अनुवाद की, जिसमें सबसे उल्लेखनीय है जाने माने लेखक रविशंकर बल का दोजखनामा। चूंकि मैं कैसे मनोरंजन दा की किताब तक पहुंची, वो ऐसा है क्योंकि चूंकि ये किताब दोजखनामा हार्पर कॉलिन से आई थी और मीनाक्षी ठाकुर तब वहां पर थी, तो मेरा उनसे परिचय तब से है। तो अब वो एका वेस्टलैंड में है, तो हम उन्हीं के माध्यम से मुझे इस किताब को अनुवाद करने का मौका मिला। और मुझे मनोरंजन दा के लेखन के बारे में पता था, लेकिन मैंने उनकी किताबें नहीं तब तक नहीं पढ़ी थी। ये अनुवाद मनोरंजन दा के चांडाल जीवन त्रय उपन्यास का पहला खंड भागा हुआ लड़का है, और ये भारत की 20वीं सदी के मध्य की भयानक वास्तविकता है, यानी भूख, जातीय हिंसा, सांप्रदायिक विद्वेष से परिचित कराता आजाद हिंदुस्तान की अनफिल्टर्ड तस्वीर दिखाता उपन्यास है। इस उपन्यास का दूसरा खंड सही पते की खोज में अब शीघ्र आने वाला है। तो ये तो मेरे अनुवाद की जर्नी है। अब इसके आगे मैं क्या अनुवाद के बारे में अगर बात करूं, अनुवाद विधा के बारे में अगर बात करूं, तो मैंने कहीं पढ़ा है, एज लॉन्ग एज ह्यूमन बींग स्पीक डिफरेंट लैंग्वेजेस द नीड फॉर ट्रांसलेशन विल कॉन्टिन्यू। तो अनुवाद के बारे में मेरा मानना है कि अनुवाद का काम दो अलग अलग भाषाओं के किनारे किनारों के बीच बंधी रस्सी पर चलने जैसा है, जिसमें आपकी गोद में किसी दूसरे का बच्चा होता है, जिसे आपको एक किनारे से दूसरे किनारे तक सुरक्षित पहुंचाना होता है। और ये भी ध्यान रखना होता है कि जिस भाषा में रचना, जिस भाषा से रचना वो उठकर आई है, वहां खड़ा लेखक भी संतुष्ट हो, और जिस भाषा में रचना पहुंची है और वहां का पाठक भी शिकायत ना करे। तो वैसे अलग अलग भाषाओं का अपना एक लहजा, अपना एक मुहावरा, सिंटैक्स या उनकी कोलोक्वल सेइंग्स होती हैं, जिसे दूसरी भाषा में काफी नजदीक तक लाया तो जा सकता है, लेकिन उस मिट्टी की सुगंध जो उस भाषा की है, उसे शत प्रतिशत लाना ये बहुत ही मुश्किल का काम है, एकदम नामुमकिन सा ही काम है। ये बहुत कुछ ऐसा है कि आप कोई रेसिपी लिखकर उसकी सुंदर सी तस्वीर डालकर खाने के स्वादिष्ट होने का आभास तो दे सकते हैं, लेकिन वो सुगंध उसमें नहीं ला सकते हैं। इन कठिनाइयों के बावजूद अनुवाद के जरिए ही आप एक तहजीब से दूसरी तहजीब तक पहुंचते हैं, उनके बारे में जानते हैं। वैसे बांग्ला और हिंदी में ये दूरियां थोड़ी कम है, इसलिए दूसरी भाषाओं के तुलना में हिंदी में अनुवाद ज्यादा नजदीक हो पाना संभव है, और वही इस किताब में भी हुआ। तो आगे हंसदा और क्या मैं बताऊं इस। अच्छी ठीक है अमृता जी, धन्यवाद। मैं यहाँ से मैं इस आने किताब वाले के बारे में ये बता सकती हूँ कि ये किताब बहुत सहज सरल भाषा में लिखी एक स्ट्रेट नैरेटिव है। ये मैं अनुवाद के उस पर बोल रही हूँ, तो इसीलिए मुझे उसको भाषा के स्तर पर उसको अनुवाद करने में ज्यादा दिक्कत नहीं आई। अब आगे की बातें फिर थोड़ी देर बात करते हैं। थैंक जी, जरूर जरूर जरूर। धन्यवाद अमृता जी। मनोरंजन यू। दा, मनोरंजन दा, अपनी सुनते पाचन? हाँ सुनते बच्ची बोलो। है दादा, मेरा अगला सवाल अभी आपसे है, ठीक है? जी कृपया हमें घोर पालानो छेले जो उपन्यास है आपका, इसके बारे में बताएं, और इस उपन्यास के पीछे की कहानी क्या है? आपको प्रेरणा कहाँ से मिली और आपने कैसे समझा कि ये उपन्यास आपको लिखना ही है? सबसे पहले तो केएलएफ को इस कार्यक्रम के लिए
मैं आभार प्रकट करना चाहूंगा, और उससे भी बढ़कर उन्होंने हमें कलिंग साहित्य पुरस्कार भी दिया था, जी इसके लिए भी इस मौके पर मैं उनको प्रति आभार प्रकट करता हूँ। आप सब जो पधारे हुए हैं यहाँ इन प्रोग्राम में अंश बने हुए हैं, आप सबको भी हमारा हार्दिक अभिनंदन। आप सबको ये बात तो जरूर मालूम होगा, आप तो ये बात किसी से छुपा नहीं कि मेरा बचपन बड़ा दुखी जीवन बीता। बचपन में गैया बैला चढ़ाए, चाय दुकान में गिलास धुए, मुटिया मजदूरी, रिक्शा चलाना, डोम सुपर, ना जाने क्या क्या किए। इन सब काम करने की बाद हमें और एक काम करना पड़ा जो जीवन हमें उस तरफ ढकेला, जिसके कारण हमें जेल जाना पड़ा था। जेल जाने से हम एक फायदा हमारा ये हुआ कि वहीं जाके हमने एक सज्जन से लिखाई पढ़ी सीख पाए, और अभी हम उस जो कुछ भी थोड़ा बहुत सीखा था उसी के बदौलत एक लेखक भी बन गए हैं। तो जब मैं जेल से बाहर निकला, पुस्तक का भूख बड़ा भयंकर हमें सता रहा था, जहां जो कुछ भी मिले। लेकिन हमें तो अच्छा पुस्तक मिलता था नहीं, रेलवे स्टेशन में, कारखाना से वही सब पुस्तक हमें मिल जाता था, और हम उसको जो भी मिले पढ़ लेता था। ये सब पुस्तक पढ़ने के बाद में ऐसा नहीं कि दो चार अच्छे पुस्तक नहीं पढ़ पाए, पढ़े इससे तिससे मांग करके। तो जब हमारे लेखन का मौका आया, आप सबको मालूम होगा कि हमारे पास एक शब्द आया था पुस्तक के माध्यम से, जीजी विशा, जिनका अर्थ हम ढूंढ रहे थे लेकिन नहीं मिल पा रहा था, इससे तिससे पूछ रहे थे। उस समय हम रिक्शा चलाते थे जेल से बाहर आकर के, और पुस्तक पढ़ते थे। तो उस समय हमारे रिक्शा में महाशय देवी सवार हुए थे, हालांकि हम उनको जानते थे नहीं, लेकिन उन्हीं से हमने ये सवाल पूछा था कि जीजी विशा का अर्थ क्या है। तो उन्होंने चौंक गया, एक साधारण सा रिक्शा वाला इस तरह एक कठिन शब्द का अर्थ पूछ रहा है, कहां से मिला ये शब्द हमें पूछा। तो हमने कहा पुस्तक से। कितना तेरा पढ़ाई लिखाई? हमने कहा हमारे तो पढ़ाई लिखाई कुछ नहीं, हम अपना सीखे है। तब उन्होंने कहा हमारे पत्रिका वर्तिका में तेरे जैसे कम लिखे पढ़े लोग लिखते हैं, तू लिखेगा क्या? तब तक हमें कुछ नहीं लिखा था। तो हमें कहा ठीक है, आपका एड्रेस दे दीजिए, फिर लिख पाऊं तो आप तक पहुंचा दूंगा। तो उन्होंने छोटा सा कुट का कागज में उनका जब पता लिख के मेरे पास दिया, तो मैंने देखा ये महाशय देवी है। तो उनका दो चार पुस्तक इससे पहले हम पढ़ चुके थे। तो ये जो लेखन का शुरू हुआ हमारे यात्रा, इसके बाद अच्छा ये लेखन शुरू हुए, जो लेख हमारे वर्तिका में छप गया था वो लोग विश्वास नहीं कर रहे थे कि वो एक अनपढ़ रिक्शा वाला ऐसा एक लेख लिख सकता है। तो बाजू में ही जादवपुर यूनिवर्सिटी है, वहां के प्राध्यापक लोग, छात्राएं सब हमें देखने चला आता था, पूछताछ करता था, बातचीत करता था। तो उनको लगता था कि दूसरा एक और, तीसरा एक और, चौथा एक और इससे लिखवाया जा सकता है। तो हर कोई लेख मांगने लगा हमसे, और हम लिखने लगे। तो कुछ दिन तक तो ऐसे ही जो मांग रहे थे जिन जिन विषय पर, उन्हीं विषय पर हम लिख रहे थे। फिर हमारे दिमाग में एक चीज ऐसा आया, बहुत सारे पुस्तक हम पढ़ने के बाद हम एक भावना आया मन में, जो जिन लोग हमारे लोगों के बारे में लिख रहे हैं, हमारे बारे में उनका जानकारी बहुत सीमित है, वो कुछ नहीं जानते। हम कितना दुख झेलते हैं, हमें जीने के लिए हर रोज कितना संघर्ष करना पड़ता है, इनका लेखन में वो चीज आता ही नहीं है। ये तो दो तल्ला तीन तल्ला का खिड़की से हमारे जीवन को देखते हैं, नीचे एकदम जमीन में खड़ा होकर हमारे साथ रह करके हमारे जिंदगी बिता करके हमें उन्होंने कभी देखा नहीं। तो हमने तो ये सोचा कि जब हम इस जीवन से लिखने के क्षेत्र में आए हैं, हम क्यों ना इस जीवन को लिखें, यही तो हमारे लिखने का एक बड़ा माध्यम उपादान हो सकता है। हम क्यों सुखी लोगों को सुखी जिंदगी लिखे। तो तब हमें इससे पहले हमारे दो चार छह उपन्यास छप गया था, उसके बाद में हमने सोचा कि हमारे जीवन जिस कठिनाई से गुजरा, जिस जीवन को हमने झेला, इस पर भी तो एक उपन्यास बन सकता है। तो हम लिखना शुरू किए, और चंडाल जीवन नाम से हम
चार उपन्यास लिखे थे, चार, एक बहुत छोटा था और तीन बड़ा बड़ा था। अभी वही वही तीनों को लेके तीन पुस्तक बनेंगे, चार को लेके तीन पुस्तक। तो जब हम वो लिख रहे थे तब एक ने हमें कहा कि ये तो आपका ही जीवन पर आधारित है, तो आप इतना बड़ा मत करो, छोटा संक्षिप्त रूप से आपका जीवन को लिख डालो जीवनी के रूप में, तो उसको हम छापेंगे। तो उस तरह हमने अपना जीवन को लिखा, तो वो इति बीते चंडल जीवन नाम से छप गया था। और ये जो चंडल जीवन है, ये चंडल जीवन, ये भी हमारे जीवन है, ये भी हमारी ही बात है, हमारी कथा है, लेकिन आत्मकथा हो या उपन्यास हो, हमने सिर्फ हम ही को नहीं देखा, बल्कि हमारे चारों बाजू में घिरे हुए जो हमारे लोग, अपने लोग, दुखी लोग, जो जीवन को झेल रहे हैं, और उन समय का राजनीतिक परिस्थितियां, सामाजिक परिस्थितियां, जो भी जितना हमसे देखा गया, हमसे जितना समझा गया, वो हम लिखने का प्रयास किया। तो वो जिन्होंने उन सब पुस्तक को पढ़ा, पसंद किया, और इसी तरह हम लिख रहे हैं। और हमारे हर पुस्तक में निचली तबके के लोगों का ही जिंदगी के बारे में बताया जाता है, उनको आप तक पहुंचाने का प्रयास किया जाता है। धन्यवाद मनोरंजन दा। मनोरंजन दा, इसी रास्ते पे मैं मेरा अगला सवाल भी आप ही से है, और ये इतिवृत्ते चंडाल जीवन एवं चंडाल जीवन त्रयी के ही बारे में है। आपकी जो आत्मा कथा है इतिवृत्ते चंडाल जीवन, जो हम लोग अंग्रेजी अनुवाद में पढ़े हैं शिप्रा मुखर्जी के द्वारा, जो साम्या और सेज से प्रकाशित हुआ था, इसमें भी एक चरित्र है जीवन। इतिवृत्त चंडाल जीवन में तो आपने फर्स्ट पर्सन में अपनी कहानी बताई है, लेकिन एक समय आता है इतिवृत्त चंडाल जीवन में जब आप जीवन नाम के चरित्र का सहारा लेते हैं। तो ये इतिवृत्त चंडाल जीवन का जीवन कौन है और घर पालनो छेड़े छेले का जीवन कौन है? एक ही है, एक ही है, एक ही है, एक ही है। लेकिन वो क्या हुआ, जब हमारे पहले उपन्यास छप गया था और उसमें जीवन उन जो पात्र है उसको बारे में जो लिखना था वो हम लिख डाले थे, तो जब हम इतिवृत्ते चंडाल जीवन लिखने गए तो हम बोले ये लेख तो पहले हम लिख चुके, फिर दोबारा अपने नाम पे क्यों डाले, इससे अच्छा जीवन उसी के नाम पे रहे। लेकिन सबको तो पता चल ही जाता है कि वो मेरा ही कहानी है, मेरा ही बात है, मेरा ही जीवन का एक भयंकर हिस्सा है। यानी कि इतिवृत्ते चंडाल जीवन और चंडाल जीवन त्रयी में कुछ फर्क होगा, एक आत्मकथा है, दूसरा उपन्यास का सीरीज है, कहीं कोई फर्क है? उपन्यास में यह होता है कि उसमें अलंकार, उपमा, उदाहरण, जो भी साहित्य का नांदनिकता जो होता है वो उसमें भरपूर, मैंने जितना हमसे बन पड़ा वो हम उसमें डालने का प्रयास किए, उसमें और दो चार घटनाएं उसमें सन्निहित किया गया, सन्निवेश किया गया, ताकि उपन्यास पाठक को बांध के रख सके, उनका अच्छा लगे। लेकिन इतिवृत्ते चंडाल जीवन में हमारे वो सब नहीं था, हमारे जो क्रूर जो जीवन है एकदम भयंकर जीवन, उसको एकदम निटोल मेदविहीन उसको छपा लिखाया गया। तो आत्मकथा जो है उसमें वो जो उपमा उदाहरण ये सब को उतना नहीं किया गया, रखा नहीं गया, वो वर्जित है। उपन्यास में कुछ इस तरह की चीज रखा गया, और कुछ लोगों को कहानी भी उसमें लाया गया ताकि मुख्य रोचक बन सके। जी धन्यवाद मनोरंजन दा। धन्यवाद आपको। जी मनोरंजन दा, आपसे मैं आगे बढ़ूंगा अमृता जी की ओर। अमृता जी, मनोरंजन व्यापारी जी के ऊपर, जी मनोरंजन व्यापारी जी के उपन्यास के अनुवाद से पहले आपने रविशंकर बल जी के बांग्ला उपन्यास दोजक नामा का हिंदी में अनुवाद किया था। मनोरंजन दा की जो किताबें हैं वो रियलिज्म या यथार्थवाद से भरी हुई कृतियां हैं,
जबकि दोजक नामा का जो प्रेमिस है वो थोड़ा सा रोमांचक मैजिक रियलिज्म के जैसा है। तो ये एक जी अनुवादक के रूप में, और आप स्वयं कविताएं कंपोज करती हैं, तो कविताओं की दुनिया और मैजिक रियलिज्म से रियलिज्म तक आना, ये कैसा अनुभव रहा है? देखिए, मुझे पढ़ने का तो शुरू से शौक था ही, तो मैं हर विधा को पढ़ती थी, तो उपन्यास या फिर फिक्शन, नॉन फिक्शन, कविताएं सभी पढ़ती थी। तो दोजखनामा जब मैंने पहले बंगला में पढ़ा तो मुझे वो इस कदर अच्छा लगा क्योंकि वो एक खास अंदाज में लिखा हुआ उपन्यास था। तो जब इसको अनुवाद किया तो मुझे ये जो मैजिक रियलिज्म जैसी बात है वो मुझे तो एक्चुअली मेरी गायकी की वजह से, मैं उर्दू जबान से और इन सब से मेरा तो ताल्लुक था ही, तो इसीलिए ये मेरे लिए अनुवाद करना ये बहुत आसान रहा। और इस उपन्यास में अदब के दो दिग्गज, गालिब और मंटो, एक सदी का फासला तय करके अपनी अपनी कब्र से हाँ दिली गुफ्तगू किस्से कहानियों के माध्यम से कर रहे थे। दास्तान कोई के स्टाइल में भी लिखा लिखा गया ये उपन्यास है। तो इसको करने में मुझे अच्छा लगा क्योंकि बहुत अच्छा लगा क्योंकि मैं इन सब चीज से मोर और लेस वाकिफ ही थी। और अनुवाद करते समय उर्दू के शब्दों के इस्तेमाल से ये काफी पठनीय भी बन गया और ये हिंदी पट्टी में से बहुत अच्छे से सराहा गया, खासा सराहा गया। अब मैं मनोरंजन दा की किताब के बारे में बताती हूँ, भागा हुआ लड़का से कंपेयर करके। ये दोनों उपन्यास में पार्टीशन यानी बंटवारे की बात है, कॉमन फैक्टर है। उसमें दोजखनामा में पंजाब के पार्टीशन का जिक्र है, बंटवारे का जिक्र है, तो भागा हुआ लड़का में बंगाल के बंटवारे की भयावह वास्तविकता है। जहाँ दोजखनामा में अदब की, तहजीब की, जुबान की नफासत थी, वहीं भागा हुआ लड़का में जीवन के कठोर धरातल पर सिर्फ जिंदा रहने की, भूख से लड़ने का संघर्ष है। तो इसी तरह जहाँ दोजखनामा में गरीबी का जिक्र किस्से कहानियों के माध्यम से आता था, वहीं भाग आया था, वहीं भागा हुआ लड़के में एक दलित जीवन का फर्स्ट हैंड ब्योरा है। तो इसके मैंने भागा हुआ लड़के का अनुवाद करते समय जो समाज की क्रूर तस्वीर, जो मनुष्यों द्वारा मनुष्यों पर किए गए चरम अमानवीय व्यवहार, जाति और वर्ग का संग्राम, सामाजिक असमानताएं, पीड़ित शरणार्थियों की दयनीय स्थिति और भूख की तड़प ने, सच कहूं तो मेरा बहुत बार दिल दहला दिया। हाँ, बहुत बार बहुत मन विचलित हो जाता था, द्रवित हो जाता था और कई बार आंख में आंसू भी आ गए। ऐसा नहीं कि दलितों के साथ होने वाले अन्याय या अत्याचारों के बारे में हमें पता नहीं है, लेकिन पर जीवन का ऐसा रूप, ऐसा वो मैंने पहले कभी नहीं अनुभव किया था। तो इसको इसको मैं किस ढंग से बोलूं कि ना जाने कितने मनोरंजन दार लोग इस सामाजिक व्यवस्था में, मतलब जन्म के समय एक बूंद शहद की से वंचित, कड़वाहट से भरा जीवन भूख से लड़ते हुए बिता रहे हैं। और इसीलिए सवाल मन में आता है कि ये तस्वीर कब बदलेगी। ये तो इन दोनों को करते किताबों को करते हुए मेरा कुछ कॉमन चीजें होते हुए भी बिल्कुल अलग अलग अनुभव रहा अनुवाद करते समय। जी धन्यवाद अमृता जी। आपने जो हृदय विदारक छवि पेश की है सुनाई नहीं दे मनोरंजन रहा, भू आ, आ, जी अभी ठीक है अमृता जी? इज दैट ओके?
अभी हेलो। हेलो, एम आई ऑडिबल? हाँ, आवाज कम आ रही, बोले। हाँ ओके ओके, अभी ठीक है अमृता जी? थैंक मनोरंजन दा सुनते पाचन? अमृता जी आवाज একটু কম আছে, হ্যাঁ, একটা ইকো মতো হচ্ছে কেন? আমার তো ওনার আওয়াজ কম লাগছে। নে নে, আবি 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 ঠিক আচ্ছা আছে, আবি আবি ঠিক আছে। ঠিক है, তো ঠিক है ইকো কেন মনোরঞ্জন হো জি। রাহা? শায়দ কুছ টেকনিক্যাল দিক্কত হোগি, মে কুছ দের কে অফলাইন ভি হো গিয়া থা। अभी भी आपको আচ্ছা, ऑफलाइन नहीं दिखा रहा, तो हाँ, मेरा कैमरा आवाज शायद आ रहा काम है। नहीं कर रहा है। अच्छा ठीक है, अमृता जी, आपसे मैं आगे बढ़ता हूँ मनोरंजन दा की ओर। मनोरंजन दा, आपके लेखन में, मनोरंजन दा सुनते पाचन? हाँ, सुन रहा हूँ। ठीक अच्छे दा, आपके लेखन में विस्थापन की पीड़ा, एक शरणार्थी होने का दर्द, गरीबी, लाचारी, भूख एवं संघर्ष है। घोर पालानो छेले एवं ठीक ठिकाना संधाने, ये जो दोनों उपन्यास हैं, ये आपके सेट हैं 60 एवं 70 के दशकों में, 1960s 1970s। अभी हम लोग 2023 में हैं, तो क्या आपको लगता है कि इतने वर्षों के बाद हमारे समाज में कोई परिवर्तन आया है? परिवर्तन परिवर्तन तो इतना आया, उस देश से यहाँ जो लोग आए थे, जैसे एक चिड़िया घोंसला बनाने के लिए चुन चुन के एक एक कुटका लाता है और एक घोंसला बनाता है, फिर सोचता है कि जिंदगी का जितने दिन बचा है इसमें हम जी लेंगे। आज के समय में आकर के सी ए ए और एनआरसी के नाम से उनको दोबारा बेघर करने का समय पहले से और ज्यादा खतरनाक है, क्योंकि हमारे जिंदगी के बारे में आपने जाना तो देखा किस तरह हमने जीवन जिया, हम लोग को कौन सा कागजात जुटा के रखना है, रखना कहाँ है? हमारे पास तो घर द्वार था, तो कैसे हम हमारे जैसे जो लाखों लोग वो कागजात कहाँ से जुगाड़ करेंगे, कहाँ पाएंगे वो अपना परिचय कि हम भारतीय नागरिक हैं? तो कैसे वो अभी उसी को फिर दोबारा विस्थापित करने के लिए ये भारत सरकार की ओर से कुछ लोगों ये प्रयास अभी किए जा रहा है, इसलिए आगे चल के हमारे जीवन और भी भयंकर होते जा रहा है। मनोरंजन जी, दा आपके जो उपन्यास है घोर पालानो छेले, उसमें आपने एक कॉन्सेप्ट दिया है मतुआ के बारे में। क्या आप हमको इस बारे में थोड़ा सा अधिक बताना चाहेंगे? पूर्वी बंगाल में एक संप्रदाय रहा करते थे जिनको हिंदू धर्म में जिनको चंडाल कहा जाता। 1911 साल में इन लोगों को बहुत लड़ाई के बाद, आंदोलन के बाद, इनको नमशूद्रस नाम से सरकारी कागजात में लिखना चालू किया। हालांकि नाम ही बदल हुआ, उनके जीवन में कोई परिवर्तन आया नहीं, वो बात अलग है। इसी नमशूद्र समाज में हरिचांद और गुरुचांद, पिता और पुत्रों, तो इन नमशूद्र समाज को आगे लाने के लिए और इन वर्णवादी व्यवस्था से छुटकारा पाने के लिए, जैसे चैतन्य महाप्रभु ने कुछ प्रयास किया था, उसी तरह इन्होंने भी प्रयास किया था। तो ये नमशूद्र समाज के बहुत बड़े हिस्से के लोग उनको नमन करते हैं, उनको अपना मार्गदर्शक सोचते हैं, उनकी बताए हुए पर राह पर चलने का प्रयत्न करते हैं। उनके द्वारा बनाया गया जो धर्म उसको मतुआ नाम से जाना जाता है। जी जी धन्यवाद मनोरंजन दा।
हम लोग जब बात कर ही रहे हैं आपके उपन्यासों के बारे में, तो क्या हम लोग एक उपन्यास के भाग का पाठ कर सकते हैं? हमारे पास तो अभी पुस्तक है नहीं, अमृता जी कर सकते हैं। मैं अमृता जी को कहता हूँ, अमृता जी, कैन वी हैव अ रीडिंग फ्रॉम द पार्ट व्हिच यू थिंक इज द बेस्ट? मैं हिंदी का पढूं, क्योंकि बांग्ला और हिंदी दोनों पढ़ूंगी तो इतना शायद टाइम नहीं होगा। जी 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 जी, हिंदी में ही। क्या बांग्ला का पढूं या हिंदी का? हिंदी हिंदी, मेरे ख्याल से हिंदी में पढ़ लेना चाहिए, मैं भी थोड़ा सुन लूं। ठीक है जी, ठीक है। तो मैं एक छोटा सा हिस्सा पढ़ रही हूँ उसका, ये भागा हुआ लड़का के किताब में सत्रवा चैप्टर है, कलकत्ता की काली रात। जादवपुर के तिकोने पार्क में बड़े लाल साहू की चाय की दुकान पर काम करते करते जीवन को कलकत्ते का पता मिल गया। जिस कलकत्ते को ढूंढने की उसके मन में बड़ी चाह थी, जहां रुपए उड़ा करते थे, वो कलकत्ता उत्तर नहीं, दक्षिण नहीं, बल्कि मध्य कलकत्ता था, जहां कभी रात नहीं होती थी, चारों ओर की जगमगाती रोशनी में रात छुपी रहती थी। इसकी शुरुआत सियालदह स्टेशन से होती थी। जब पता मिल ही गया था तो उसे वहां वहां जाना ही था। उसे रुपयों की बहुत जरूरत थी, दुर्गा पूजा आने वाली थी। उस समय वह अपने पैसों से माँ बाप भाई बहन को नए कपड़े खरीद कर देना चाहता था। बहन को लाल चमकीली फ्रॉक और दोनों भाइयों को पैंट और पूरी बांह की शर्ट, बाबा को धोती कुर्ता और माँ को दो सेट साड़ी ब्लाउज और पेटीकोट। एक दिन बड़े लाल की दुकान की नौकरी छोड़ जीवन उस अनजान कलकत्ता की ओर चल पड़ा। लेकिन वो शहर कहाँ और कितनी दूर था? सपनों के शहर कलकत्ता को ढूंढने में उसके कई दिन कलकत्ता की सड़कों पर ही गुजर गए। बड़े लाल की दुकान पर उसने 2 महीने काम किया था। 2 महीनों में 2 कांच के ग्लास तोड़ने और 2 किलो दूध फैला देने की कीमत काटकर उसे जो पैसे मिले वो जल्दी ही खत्म हो गए। उसके बाद क्या, भूखे पेट पागलों की तरह सारा दिन बस सड़कों पर घूमते रहना, जहां रात हो वहीं, चाहे फुटपाथ, चाहे स्टेशन या किसी पेड़ के नीचे सो जाना। इतने दिनों के बाद माँ बाप के पास खाली हाथ तो लौटा नहीं जा सकता था ना। इन महीनों में जीवन पूरे शहर में चक्री की तरह घूम चुका था। दुनिया के सबसे बड़े शहरों में से एक 250 बरस पुराने सुंदर से कलकत्ता के हर हिस्से को उसने देख लिया था। जीवन के अनुसार इस शहर की विविधता, विरोधाभास, दंभ, दीनता, उच्चता, क्षुद्रता ने मिलकर उसे एक विशिष्टता प्रदान की थी, जिसका स्वाद उसे मिल चुका था। इस शहर की एक ओर अहंकार से आसमान छूती हुई बड़ी बड़ी इमारतें थीं। इन इमारतों के भीतर खोखले ऐशो आराम और मौज मस्ती के विभिन्न साधन थे, जहां हृदयहीन यांत्रिक लोग रंग बिरंगे महंगे कपड़ों में सिर से पांव तक सजे होते थे। ये लोग मशीन की तरह नाप तोल कर हंसते बोल चलते और बोलते थे। उनके प्रेम और प्रेमहीनता, सदाचार और अनैतिकता में मानवीय भावनाओं की कोई छटा या गंध पाना कठिन था। सब कुछ यांत्रिक नियमों के अधीन था। दया, माया, स्नेह, अच्छा लगना, ये सभी सामान्य कमजोरियां उन्हें पीड़ित या प्रभावित नहीं करती थी। दुनिया के सभी संसाधन इन मशीनी लोगों के कदमों में थे। उन्होंने अपने और निचले तबके के बीच बाधाओं का एक पहाड़ खड़ा किया हुआ था, जो समाज की कोमल प्रकृति के विकास और विस्तार में बाधक था। इसी से उनके स्वार्थ की पूर्ति होती थी। उड़ते रुपयों की कहानी बेशक सच थी, पर वो रुपए
इनके बनाए मार्ग से उड़ते हुए इनकी ही तिजोरियों में समा जाते थे, जो किसी और की नजर में या पकड़ में आना संभव नहीं था। इनके महलों के सामने असहाय लोगों की गिरती हुई टूटी फूटी झोपड़ियां थी। भूखे, अल्प पोषित, रोगी, दबे और बेरोजगारी से जूझते, मक्खी मच्छरों से भरे उन सीलन भरी झोपड़ियों में रह रहे लोग भी इसी कलकत्ता के बाशिंदे थे। जीने के लिए ये लोग बहुतल इमारतों में रहने वाले लोगों को अपनी सेवाएं देते, उनका सम्मान करते और आज्ञा का पालन करते थे। इसके बदले उन्हें पासी रोटी, चंद रुपये और घृणा, अवहेलना, अनादर, उपेक्षा, उपहास और शोषण मिलता। इस शहर में बड़े बड़े अस्पताल थे, लेकिन वह सभी के लिए नहीं थे। जिनके लिए नहीं थे वे लोग बिना इलाज के सड़कों पर कुत्ते बिल्लियों की तरह मर जाते थे। यहाँ बड़े बड़े होटल, रेस्तरां थे, दुकानें थीं, बाजार थे। कुछ लोग वहां जाकर 1,000 से 5,000 रुपए तक एक ही बार में खर्च कर देते थे। इसी शहर में कुछ लोग दबे पिचके कटोरे हाथ में पकड़े, बाबू कुछ पैसे दे दो, 2 दिन से कुछ नहीं खाया है, बोलते गिड़गड़ाते नजर आते थे। यहाँ बड़े बड़े स्कूल और विश्वविद्यालय थे, लेकिन सबके लिए इन शिक्षा प्रतिष्ठानों में दाखिला लेना संभव नहीं था। यहाँ का जो कुछ भी श्रेष्ठ, महान, महत्वपूर्ण और सुंदर था, वो सब एक दल यांत्रिक मनुष्यों द्वारा संचालित, अधिकृत और संरक्षित था। और इसी तरह ये महानगर लगभग 250 साल से जिंदा था। इस कलकत्ते को, उसके घृणित रूप को एक दरिद्र बालक आश्चर्य से देखता रहता था। सच में यहाँ लाखों करोड़ों रुपए हवा में उड़ते थे, जिनको उड़ते रुपयों को झपट लेने की कला आती थी वे बोरियां भरकर ले जाते थे, और जिन्हें ये कला नहीं आती थी वे ऐसा नहीं कर पाते थे। श्रम, पसीना और ईमानदारी का वस्तुतः कोई मूल्य नहीं था इस महानगर में, थी तो बस धूर्तता, धोखेबाजी और साजिश। जो इनमें दक्षता रखता था वही सार्थक और विजयी था, जो नहीं जानता था वह नाकाम था। दरिद्रता के गर्भ में जन्म लेने वाले सीधे साधे मेहनतकश लोगों ने यह कला नहीं सीखी थी, तभी वे भयानक तकलीफ में फुटपाथ, रेलवे स्टेशन, पेड़ के नीचे, बस्तियों में, नहर के पास वाली रेल लाइनों के किनारे झोपड़ियों में रहते हुए मर जाते थे। उनके साथ ही मर जाती थी उनकी तमाम उम्मीदें, सपने, इच्छाएं और आकांक्षाएं। ये सब देखकर अनजाने ही जीवन के मन में घना बादल छाने लगता था, लेकिन वह बारिश के रूप में नहीं बरसता, केवल गरजता और बिजली की कौंध से उसे चीर देता था। इतने लोगों के पास इतना कुछ है, लेकिन उसके पास कुछ क्यों नहीं है? ये अनसुलझा सवाल उसके मन में एक गहरी छाप छोड़ देता था। उसे ठीक से याद नहीं किसने और कब कहा था कि छोटे काम की मजदूरी भी कम होती है, जो जितना बड़ा काम करता है उसे उतने ज्यादा पैसे मिलते हैं। जीवन को ये बात समझ में नहीं आती थी कि जो आदमी धूप में जलता हुआ मिट्टी में हल चलाकर सारे देश का अन्न जुटाता है, जो आदमी तूफान और चक्रवात झेलता हुआ अपने जीवन को खतरे में डालकर नदियों में जाकर मछलियां पकड़ता है, जो देश के लोगों को स्वाद और स्वास्थ्य प्रदान करता है, जो श्रमिक फैक्ट्री कारखानों में मशीन हथौड़े चलाकर देश को समृद्ध बनाते हैं, उनके काम कैसे छोटे हो सकते हैं? उनकी मजदूरी इतनी कम क्यों होती है? और वहीं मंदिर में पत्थर की मूर्ति के आगे शिखा हिलाते, घंटी बजाते, ओम बोम बड़बड़ाते ब्राह्मण ऑफिस की कुर्सी पर चाय की चुस्कियां लेते सोते बतियाते बाबू, माइक पर आग उगलते बड़बोले बड़े लोग कैसे हैं, कैसे उनके घरों में पैसों का अंबार लग जाते हैं, किसने काम को इन श्रेणियों में बांटा है, किसने किया है पारिश्रमिक का ये विभाजन कि एक क्विंटल बोझ सर पर ढोने वाला कुली बस उतनी ही मजदूरी पाएगा जिससे वह किसी तरह 2 वक्त की रोटी खाकर गुजारा कर सके। क्योंकि
क्यों सारा दिन गरीबदास बिना खाए, गरीबदास यानी जीवन के पिता, बिना खाए स्टेशन पर बैठे रहने को मजबूर था? क्यों उसे कुपोषण के कारण हुए रोग की पीड़ा सहनी पड़ी थी? क्यों उसे दवाई की एक बूंद नसीब नहीं थी? जीवन का किशोर मन इन प्रश्नों का जवाब ढूंढने में उलझा रहता, लेकिन उसे कभी उत्तर नहीं मिलता था। हजारों दार्शनिक हजारों साल से इन प्रश्नों पर चिंतन कर रहे थे, पर कभी एकमत हो सही उत्तर नहीं दे पाए। मार्क्स, गांधी, अंबेडकर और लोहिया सभी इन प्रश्नों से विभ्रांत रहे, तो भला निरक्षर बालक जीवन कैसे समझता? ये छोटा सा अंश पढ़ा मैंने। जी धन्यवाद अमृता जी, बहुत ही मूविंग, दिल को छू लेने वाला अंश था। और द रेस्ट ऑफ द बुक इज वेरी सिमिलर टू दिस पर्टिकुलर एक्सेप्ट। अगला सवाल मैं मनोरंजन दा से करना चाहूंगा। मनोरंजन दा सुन छेन जी। मनोरंजन दा, आपकी कहानी में जीवन जो है वो एक शरणार्थी है, वो दुखों के बीच में संघर्ष कर रहा है। तो क्या हम लोग फ्यूचर में, यदि आप जीवन की कहानी को आगे लिखते रहेंगे, तो क्या हम लोग ये देख सकते हैं कि जीवन भी एक दिन कोई बड़ा आदमी बनेगा? हो सकता है वो प्रदेश की राजनीति में उतरेगा, विधायक बनेगा। बनेगा बनेगा, लेकिन हर जीवन नहीं बनेगा। हजारों लाखों करोड़ों जीवन है, उसमें से एक राइटर भी बन जा सकता है, वो एमएलए भी बन सकता है, और बहुत सारे जीवन है जेल की काली कुठरी में सर के मर भी जा सकता है। ये जीवन है, तो एक जीवन अगर कोई एमएलए बन गया या राइटर बन गया, लेकिन लाखों करोड़ों जो जीवन फुटपाथ में स्टेशन में पड़े हुए हैं, मर रहे हैं, उनको क्या होगा? ये एक सोचने की विषय है। इनको बारे में हमारे छोटे से दिमाग में जितना आया हमने सोचा, लेकिन हमारे देश की बुद्धिजीवी वर्ग, राजनेताओं, चिंताशील हर व्यक्ति को एक बार सोचना चाहिए कि देश के करोड़ों लोग, अभी तो सुनने को मिल रहा कि 40 करोड़ लोग ऐसे हैं जिनको दिन में 35 रुपया से ज्यादा कमाई नहीं है, जो रात को पानी पी करके सो जाता है। इतने बड़े लोग, आबादी के लोग 40 करोड़, इनको भूखा प्यासा रख करके एक देश कहाँ तरक्की कर सकता है? इतना आबादी है हमारे देश में, इन जनता में ही तो शक्ति छुपा होता है हर चीजों की। इनको अगर काम पे लगाया जाए, इनका श्रम शक्ति को सही मायने में उपयोग किया जाए, तो देश का तरक्की हो सकता है। इस बारे में हम लोग कब सोचेंगे? राजनेता लोग, बुद्धिजीवी लोग कब सोचेंगे? इनको सोचना चाहिए। धन्यवाद मनोरंजन जी। मनोरंजन दा, आप पश्चिम बंगाल दलित साहित्य अकादमी के भी अध्यक्ष हैं, तो इस रोल के बारे में थोड़ा बताएं हमें। ये जो दलित लोगों ने है, जिनको बहुत सालों तक स्कूल में दाखिला नहीं दिया गया, और जब स्कूल का दरवाजा खुल भी गया थोड़ा सा अंग्रेज की चल कारण, हमारे पिताजी, हमें तो उनका तो इच्छा थी कि हमें स्कूल में दाखिला करवाए, पढ़ाई लिखाए, बड़ा आदमी बनाए, लेकिन उनके पास इतना साधन नहीं था कि वो दो रोटी हमें खिला सके, एक पुस्तक हमें खरीद दे सके। तो ऐसे लाखों करोड़ों लोग हमारे देश में है। हम लोगों ने क्या किया, हमारे इन दलितों में से जो थोड़ा आगे आ पाए, जो थोड़ा लिखाई पढ़ी उस ज्ञान को प्राप्त किए, लिख सकता है, कुछ बोल सकता है, उनको एक मंच हमने दिया। हमारे प्रदेश के मुख्यमंत्री माननीय ममता बनर्जी जी ने एक दलित साहित्य अकादमी का गठन किया, जो कि इस देश में किसी भी राज्य में ऐसा नहीं हुआ, ममता बनर्जी ने किया। और हम लोगों को एक मंच दिया है, जिस मंच पे हम लोग अपना बात लोगों तक पहुंचाने के लिए रख सकता है, हम लोग कुछ लिख सकते हैं हमारे समाज के बारे में, उन लेख को हमारे दलित साहित्य अकादमी पुस्तक के रूप में उसको लोगों तक पहुंचा सकते हैं। हम पत्रिका निकालते हैं,
और दलित लेखक द्वारा लिखा गया तमाम पुस्तक हम रखे हुए हैं, हिंदी के, बांग्ला के और भाषाओं के, कुछ अनुवाद भी है, ताकि जो बच्चे इस जीवन के बारे में जानना चाहे वो आके हमारे लाइब्रेरी में उसका अध्ययन कर सकते हैं। हम लोग उसका इंतजाम किए हुए हैं। तो ऐसे ही हम लोग दलित साहित्यकारों के लिए, लेखकों के लिए, कवियों के लिए, प्रबंधकारों के लिए एक मंच तैयार कर पाए और तेजी से हमारे काम चल रहा है। धन्यवाद मनोरंजन दा। एंड विद दैट आई कैन सी दैट वी हैव ऑलरेडी वी हैव रीच्ड 1 hour and 46 minutes इन दिस सेशन। तो मुझे लगता है कि ये सत्र अच्छा ही था और मैं धन्यवाद देना चाहूँगा मनोरंजन जी और अमृता जी को। थैंक यू वंस अगेन एंड थैंक यू कलिंगा लिटफेस्ट एंड वेस्टलैंड बुक्स फॉर दिस सेशन। मुझे उम्मीद है कि आप सभी दर्शकों, आप सभी श्रोताओं को ये सत्र पसंद आया। इसी के साथ मैं इस सत्र को यहीं पर समाप्त करना चाहूंगा। सौविंद्र, सौविंद्र, देयर्स वन क्वेश्चन। सितांशु जस्ट मैसेज्ड, वी कैन टेक वन क्वेश्चन। मनोरंजन दा, प्रभास चंद्र पूछ रहे हैं क्षेत्रीय भाषा से राजभाषा में अनुवाद करने के लिए क्या क्या दिक्कतों का सामना करना पड़ा। मुझे लगता है ये अमृता के लिए है। अमृता, प्रश्न स्क्रीन पे है। आपकी आवाज नहीं आ रही है, आप अनम्यूट करें खुद को। क्षेत्रीय भाषा से राजभाषा में अनुवाद करने के लिए क्या दिक्कतों का सामना करना पड़ा। इस किताब के कॉन्टेक्स्ट में कहूँ तो ज़्यादा मुश्किलों का सामना नहीं करना पड़ा, क्योंकि हिंदी और बांग्ला काफ़ी करीब की भाषाएं हैं और इसीलिए उतनी ज़्यादा दिक्कतें नहीं आई इसमें। हेलो, और अगर आप दोनों ही भाषाओं से बहुत अच्छी तरह से वाकिफ हैं, बहुत दोनों भाषाओं में अच्छा, वो तो उसमें आप जो अनुवाद की कठिनाइयों को आप मतलब आप उसको एड्रेस कर सकते हैं। बहुत बहुत ज़्यादा कुछ मतलब कुछ दिक्कतें अगर आती भी हैं तो आप उनको आई थिंक सॉर्ट आउट कर सकते हैं। मैं और भाषाओं की बात नहीं कर रही हूँ, सिर्फ हिंदी और बांग्ला के कॉन्टेक्स्ट में कह रही हूँ। जी, ये इज देयर एनी मोर क्वेश्चंस हियर? ओके, सो नाउ आई थिंक वी कैन हैव अ फॉर्मल एंडिंग टू दिस सेशन। So I thank Manoranjan da and Amrita ji once again. Thank you to team Kalinga Lit First and Westland Books. Thank you so much. Namaskar.